नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। मैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम हैं मैं मुंबई के तलोजा ट्रेनिंग सेंटर में, जहां हमारे साथ हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जावेद हमारे साथ है। और मोहम्मद जावेद जो है, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर से आपने कौन सा ट्रेनिंग किया हुआ है? रिच ट्रक फोर्कलिफ्ट और डीजल फोर्कलिफ्ट भी और बैटरी फोर्कलिफ्ट। अच्छा, मोहम्मद जावेद ने यहाँ से तीन तरीके का ट्रेनिंग लिया, जिसमें उन्होंने काउंटर बैलेंस डीजल फोर्कलिफ्ट सीखा है, बैटरी फोर्कलिफ्ट सीखा है, इसके अलावा उन्होंने रिच ट्रक का भी ट्रेनिंग किया हुआ है। तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला जावेद, मोहम्मद जावेद? मुझे यूट्यूब पे मैंने देखा था रोड सेफ्टी फाउंडेशन, तो मैंने उसके जरिए यहाँ पे आया था। वेरी गुड। तो इन्होंने यूट्यूब के जरिए यहाँ का एड्रेस पता किया। पर मैं जावेद एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ा कि फॉर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग करना चाहिए? मतलब इसमें स्कोप है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? सिर्फ YouTube पे देख के आ गए, या आपने किसी और को भी देखा था, या आपके कोई साथ में भी था ट्रेनिंग, मतलब जो पहले से इस लाइन में जॉब कर रहे हैं? नहीं, थे साथ में, मेरे फ्रेंड थे साथ में, पहले वो लोग कर रहे थे। उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया था आपके दोस्तों ने? वो लोग तो पहले से, मतलब इधर ये बम्बई पोर्ट में वो लोग चला रहे थे। ओके, बॉम्बे पोर्ट में आपके दोस्त चला रहे हैं? चला रहे थे। तो उनको देख के आपने ये सोचा कि ये ट्रेनिंग किया जाए? ओके। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में कोई भी कंपनी है, जहाँ ट्रक लोडिंग अनलोडिंग होना है, या रैक पर मेटल चढ़ाना है, या हैवी मेटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, वहाँ फोर्कलिफ्ट के बिना आज की डेट में कोई काम हो ही नहीं सकता। वो चाहे कोई स्टील कंपनी हो, कोई फार्मा हो, कोई केमिकल हो, या अदर कोई कंपनी हो। इसके अलावा कोई एयरपोर्ट है या बंदरगाह है, वहाँ पर भी आज की डेट में फोर्कलिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो जावेद, आपने यहाँ ट्रेनिंग किया, आपको यहाँ का ट्रेनिंग कैसा लगा? पहली बात तो यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। यहाँ पे सिखाने वाले भी सर, मतलब सर जो है अतुल सर, चेतन सर, अच्छे से सिखाए हम लोग को हर चीज़। एक एक कुछ गलती भी होती थी तो भी बताते थे, ऐसा नहीं ऐसा, हम लोग को मतलब हर चीज़ लोडिंग करने के टाइम सेफ्टी के हिसाब से, अगर कुछ गलत भी हुआ तो भी बताते थे ऐसा नहीं ऐसा, मतलब हर चीज़, मतलब उन्होंने अच्छे से किया हमको। ओके, तो आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर से और अतुल सर के बिहेवियर से और उनके सिखाने के तरीके से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? यस यस, एकदम। ओके, तो अभी ये ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया, आपने दोनों तीनों मशीन का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, ये कितने दिन पहले आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है? ये तो मैंने अभी एक हफ्ता पहले इधर जो रिच ट्रक फोर्कलिफ्ट सीखा मैंने, और ये तो मैंने 6-8 महीना पहले सीखा था। ओके, तो ये 6-8 महीने पहले जब आपने ट्रेनिंग किया था, उसके बाद कोई जॉब किया आपने फोर्कलिफ्ट का? जॉब किया मैंने। कौन सी कंपनी में? कंपनी मतलब टेम्परेरी में मैं जाके मैंने करता था, वो लोग काम के लिए बुलाते थे, 1 हफ्ता 10 दिन जो भी मैंने वो करता। ओके, मतलब घर के नज़दीक था? हाँ, घर के नज़दीक लोडिंग अनलोडिंग, मतलब। तो आपने किसी कंपनी में ट्राई नहीं किया उस पीरियड में, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और था उसके लिए कंपनी में ना करने का? हाँ, उसका मेरा कुछ और था, थोड़ा बाहर जाने के लिए था। अच्छा, बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए आपने फुल टाइम कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं किया। तो अभी रिच ट्रक का आपका आपने ट्रेनिंग किया है, तो रिच ट्रक का ट्रेनिंग करने के बाद आपका कोई अभी जॉब का कुछ हुआ, या बाहर का आप जो 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फल मिला आपको? नहीं मिला, मतलब जो फल मिला मुझे बाहर जाने का, मेरा सऊदी के अंदर हुआ है मेरा काम। सऊदी के अंदर आपका वीज़ा लग गया है? ये आपने कब ट्राई किया था, ये कौन से ऑफिस में अप्लाई किया था, और ये आपने कब ट्राई किया था? ये मैंने ये अल कुरैसी ऑफिस से सांता क्रूज में मैंने ट्राई किया। अल कुरैसी ऑफिस से उन्होंने सांता क्रूज में अप्लाई किया था, और अभी उनका सऊदी अरब का वीज़ा लग गया है। तो जैसा हमारे कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि जिस ऑफिस से आप गए थे वो ऑफिस कैसा है, आपको कैसा लगा वो ऑफिस, वहाँ कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड तो नहीं होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा ऑफिस है वहाँ पे। ओके, और भी लोग गए हैं वहाँ से, और मेरा भी मतलब अच्छी ऑफिस है। मतलब आपके पहले आपके जानकार भी अल कुरैसी ऑफिस से जा चुके हैं, सांता क्रूज से। ओके, तो कितने सैलरी आपको वहाँ लगी है, अभी कितने सैलरी में आपका जॉब लगा है? मुझे 1600 बेसिक 8 घंटे का लगा हुआ है, खाना रहना सब कंपनी का है टोटल। 1600 बेसिक है सऊदी अरब का, और उसमें खाना रहना उनको सब फ्री में मिला है, ट्रांसपोर्टेशन खाना रहना सब कंपनी का है, मतलब तकरीबन 32-33 हज़ार की उनको सैलरी लगी है। इसके अलावा ये जॉब कितने घंटे का है? 8 आवर्स का। और कंपनी ने आपको कितने घंटे के लिए ऑफर किया हुआ है जॉब? कंपनी मतलब 12 घंटा ड्यूटी करना, मतलब 8 घंटा ड्यूटी और 4 घंटा ओवर टाइम। तो 4 घंटे ओवर टाइम का क्या चार्ज आपको पे कर रहे हैं, कुछ आपको आइडिया है? तो मतलब वही 4 घंटे का डबल के हिसाब से पकड़ेंगे तो एक 30-32 हज़ार। हाँ, 3 हज़ार समथिंग, 3 हज़ार तक। 3 हज़ार का मतलब है तकरीबन 60-62 हज़ार रुपया उन्हें 12 घंटे जॉब का वहाँ मिल रहा है। उसके अलावा रहना खाना,
उन्हें वहाँ फ्री में मिल रहा है। तो आप अपनी ट्रेनिंग से और आपको ये जो जॉब लगा है उसमें बहुत सारी मेहनत आपकी है, तो आप अपनी ट्रेनिंग से यहाँ सेटिस्फाइड हैं और आप अपने जो जॉब लगा उससे भी आप सेटिस्फाइड हैं? दोनों से हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो आप हमारे जो व्यूअर हैं जो और ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज, कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इस लाइन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, या कुछ भी आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहें? नहीं, मुझे तो यहाँ पे बहुत सजेशन मिला है। मैं तो अपने जो भी मेरे फ्रेंड जो भी देखने वाले मैं उनको यही बोलूँगा कि यहाँ पे आइए, आप सेफ्टी फाउंडेशन में आप देखो, फोर क्लिप के लिए मतलब फ्यूचर के लिए आगे हर चीज़ के लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अपने को। रुपेश सर ने भी मतलब किया यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं उनसे मिला हूँ एक दो बार पहले भी, मतलब वो सब चीज़ के लिए अच्छे से वो भी समझाते हैं हर चीज़ सेफ्टी से काम करने का। तो ट्रेनिंग के अलावा आपको सेफ्टी के बारे में भी बताया गया मशीन चार्जिंग में कैसे लगाते हैं, मशीन चार्जिंग से कैसे निकालते हैं, क्या क्या चार्जिंग के टाइम पे सेफ्टी लेनी चाहिए, सब बताया। लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे क्या सेफ्टी लेना चाहिए, सब आपको सब ट्रेनिंग के बारे में सिखाया गया। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप ऐसे ही तरक्की करें और अच्छे तरक्की करें और बेहतर अपना भविष्य को अच्छे बनाएं, अपने परिवार को अच्छी तरीके से संभाल के रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आपके साथ हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत रोड सेफ्टी फाउंडेशन और सर आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।